शुरू हो चुकी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ के साथ। तमाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ के तमाम जो रहनुमा हैं उनसे हमारी बात हुई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो क़यादत है की ख्वाहिश यही है कि कल शाम 4 बजे जो हमारा अपोजिशन के साथ फैसले हुए हैं और उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। तहम अभी हुकूमत के साथ उनके जो मामला जहां तक आगे चल रहे थे उस पर अभी गवर्नर सिंह के साथ मामला पर बातचीत जारी है। जी ठीक है, टिका खान सानी हमारे साथ रहिएगा। गवर्नर सिंह इमरान इस्माइल पहुंचे हैं पार्लियामेंट लॉजेज जहां पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं से उनके मुज़ाकरात उनकी गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। अब से चलना मात पहले उनका क्या कहना था वो आपको सुनवाते हैं। इस वक्त रात की इस पहर आजकल रात के दिन के अभी लोग बात करने आए यहाँ तो अब मुत्तहिदा अपोजिशन का वफ भी है और बहुत सारे इस वक्त रात के इस पहर आजकल रात के दिन के अभी लोग बात करने आए यहाँ तो अब मुत्तहिदा अपोजिशन का वफ भी है और बहुत सारे समा के नुमाइंदे टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिका खान सानी बताइएगा गवर्नर सिंह का क्या कहना था। टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताएं कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो कि अहमियत अख्तियार कर गई है इस वक्त की मौजूदा सियासी सूरत हाल में, मुत्तहिदा अपोजिशन जो कि पार्लियामेंट लॉजेज में अब से चंद नमाज पहले मौजूद थे खालिद मकबूल सिद्दीकी की रिहाइशगाह पर, जहां पर हुकूमती टीम भी अब पहुंची है। इमरान इस्माइल गवर्नर सिंह जहाँ पर पहुँचे हैं और एमक्यूएम के वफ से उनकी मुलाकात अब शुरू हो चुकी है। सवाल किया गया इमरान इस्माइल से कि रात के इस पहर आप पार्लियामेंट लॉजेस पहुंचे हैं, तो उनकी जानिब से जवाब दिया गया कि आजकल रात क्या दिन क्या। तो अपोजिशन और एमक्यूएम के दरमियान मुआहदा तय पा गया। इससे पहले हम आपको ये इतला दे रहे थे, ये खबरें दे रहे थे, और ऐसे में अब डेवलपमेंट ये है कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल पहुँचे हैं पार्लियामेंट।